हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, घर पे हैं एंड सेफ हैं। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हेयर कट, मैं किस तरीके से घर पे अपने हेयर को कट करती हूँ वो शेयर करूँगी। अगर आप पहली बार आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, और ऑलरेडी कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच। तो बालों को मैं यहाँ पर धो लिया है और एयर ड्राई कर लिया है, उसके बाद मैं इसका कट करूँगी। तो पहले मैं अपने हेयर की कंडीशन दिखा रही हूँ, अभी कितनी लेंथ है उसको अच्छे से कॉम कर लूँगी मैं। तो बालों को यहाँ पे मैं कॉम करके टेंगल फ्री कर रही हूँ, उसके बाद सारे बालों को मैं आगे की तरफ ला के अच्छे से कॉम करके एक पोनी बना लूँगी आगे की तरफ। तो इस तरीके से मैंने रबर बैंड की मदद से अपने बालों को टाई कर लिया है। करीबन 1 इंच मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं कैंची को ऊपर की तरफ करके मैं कट कर रही हूँ अपने हेयर को, ताकि एजी सा लुक आए, स्ट्रेट लुक ना आए। उसके बाद कानों के पीछे से मैं अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। और पीछे की सेक्शन को एक क्लिप की मदद से मैं टाई कर रही हूँ। और बाकी के बालों को भी मैं अच्छे से रबर बैंड के मदद से सिक्योर कर लूँगी एंड देन कॉम कर लूँगी। एंड उस हेयर सेक्शन को भी मैं 1 इंच तक काट रही हूँ। इन बालों को मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ करके कट कर रही हूँ एजी सा लुक पाने के लिए। एंड देन मैं यहाँ पे कानों के आगे से लेके फिर से सेक्शन कर लूँगी अपने बालों को। एंड यहाँ पे पीछे के बालों को फिर से मैं क्लिप की मदद से टाई कर रही हूँ एंड देन आगे के बालों को फिर से मैं पोनीटेल बना लूँगी सामने की तरफ। और उस हेयर सेक्शन को भी करीबन 1 इंच तक मैं कट करूँगी। एंड यहाँ पे मैं आईब्रो की एंड से लेके अपने क्राउन सेक्शन में बालों को डिवाइड कर रही हूँ। उसके बाद फिर से पीछे के बालों के सेक्शन को अच्छे से टाई कर लूँगी। फिर से आगे के सेक्शन को अच्छे से मैं टाई कर रही हूँ और उसे भी करीबन 1 इंच तक काटूँगी। तो अच्छे से बाल को कॉम करने के बाद मैं यहाँ पे सेंटर पार्ट कर रही हूँ अपने बालों को। और यहाँ पे मैं आगे की बाल को वी शेप में क्रिएट कर रही हूँ दोनों की तरफ से। और फिर से पीछे की बालों को अच्छे से मैं सिक्योर कर लूँगी। एंड अपने फेस के लेंथ के अकॉर्डिंग मैं अपने बालों को कट कर रही हूँ। उसके बाद सेंटर पार्ट करने के बाद लेफ्ट साइड को मैं ऐसे कैंची को नीचे की तरफ लाके अपने बालों को कट कर रही हूँ, ताकि लेयर्स आ जाए अपने बालों पे। और सेम प्रोसेस मैं अपने राइट साइड के बालों की भी करूँगी।
और यहाँ पे हमारा हेयर कट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।